हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कोड कोड कोड। माय नेम इज रोहित। सो व्हाट इज आवर एजेंडा फॉर टुडे सीरीज? सो टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। एंड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सीरीज, बिकॉज एट द एंड हम लोग बेसिक से लेके एडवांस कोडिंग करेंगे, उसमें हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये चीज स्किप मत करना, और पीछे ऑलरेडी मैं सारे बेसिक्स कवर कर चुका हूँ, तो तुम लोग जाके बेसिक्स पढ़ लेना डे वन टू डे सिक्स। मैं सारे नोट्स जो है अपलोड कर देता हूँ कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाएगा। तो तुम लोग वहां आके जुड़ जाओ, और यहाँ पे चैनल पे नए हो तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 1K, तो जितना जल्दी हो के 1K पूरा दो, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूं। अब क्या होगा हम लोग का कि मैं छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा, ताकि तुम लोग को ज्यादा भारी भी ना लगे, ठीक है। और ये मैं डेली चाहूंगा कि कंसिस्टेंटली अपलोड करूँ वीडियो डेली। इधर कुछ डेली हो गया था, धीरे धीरे मैं दो दो दिन या तीन तीन दिन पे एक वीडियो डाल रहा था, क्योंकि बहुत ही लंबा जा रहा था। तो मैं सोचा कि मैं चंक्स ऑफ वीडियो को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके एंड देन आई विल अपलोड डेली, आई विल अपलोड ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। सो फंक्शन होता क्या है, पहले हम लोग डिफिनेशन के थ्रू जाते हैं, गूगल के डिफिनेशन के थ्रू, कि फंक्शन इज बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। अब बोलोगे इससे भैया समझ में नहीं आया कि फंक्शन होता क्या है, तो जैसे जैसे हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो मैं सारे एनालिसिस कर दूंगा कि तुम लोग को करना क्या है, ठीक है। सारे एनालिसिस मैं बता दूंगा कि एक्चुअल फंक्शन होता क्या है। अभी के लिए बस इतना ये डिफिनेशन समझ जाओ कि फंक्शन एक कोड होता है, हम लोग एक चंक्स ऑफ कोड लिखते हैं जिसको कि हम लोग को कॉल करना पड़ता है। जैसे कि मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तुम कहीं हो दूसरे रूम में, तो तुम लोग को नाम से पुकारना पड़ता है, जैसे कि हम बुलाना पड़ता है नाम से। मान लो तुम किसी और रूम में हो, या फिर किसी और क्लास में हो, या फिर तुम्हारा कोई एक नाम है, तुम्हारा कोई अपना आइडेंटिटी है, तो हम लोग को अगर बुलाना हो तो तुम लोग कैसे बुलाएंगे? तो तुम लोग को बुलाने के लिए हम लोग को नाम लेना पड़ता है। तो इसी तरह सेम फंक्शन का अपना एक आइडेंटिटी होता है, अपना एक नाम होता है, जिसको कि हम लोग को कॉल करना पड़ता है, तब जो आके जो भी फंक्शन के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं वो हम लोग को आउटपुट में ला के दे देता है। तो होप कि क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या क्या होता है भैया। तो एडवांटेज जो होता है फंक्शंस का, बेसिकली देखो हम लोग क्या होता है कि कोड जो होता है एकदम ऑर्डर्ड मैनर में होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, ठीक है। दूसरा नंबर इसका बोले तो हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। अब कैसे रीयूज कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल बताइए। तो जैसे मान लो कि हम लोग एक अपना बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और वहां पे हम लोग को चाहिए कि एक एडिशन का फंक्शन चाहिए, ठीक है। फंक्शन है, उसका एक नाम है एडिशन, ठीक है, उसका एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, एडिशन। अब हम लोग क्या करना है कि मान लो हम लोग को उस एडिशन फंक्शन का कहीं यूज पड़ा, तो क्या मान लो जैसे कि हम लोग एक जगह लिखे एडिशन का काम, उसके बाद हम लोग को फिर दोबारा यूज पड़ा, तो हम लोग फिर से दोबारा लिख दिए, फिर मान लो तीसरा बार यूज पड़ा तो तीसरा बार लिख दिए, लेकिन समझो एन टाइम्स अगर यूज पड़ेगा तो क्या हम लोग बार बार एडिशन फंक्शन को लिखेंगे? नहीं ना। तो डेट्स वाई एडिशन प्रोग्राम को बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, की एक हम लोग प्रोग्राम बना लेंगे ए और बी, उसको एड करते जाएंगे बार बार। हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को ऑलरेडी लिख के रख देंगे और उसको बार बार हम लोग कॉल कर लेंगे जब जब हम लोग को यूज पड़ेगा। इससे क्या होगा, हम लोग को कोड जो है बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और कोड जो है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहेगा। हम लोग को बस एक लाइन लिखना रहेगा कि बस उस फंक्शन को कॉल करना रहेगा, जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर दिए, तो कोड हम लोग का ऑर्गेनाइज्ड मैनर में भी है, कोड रीयूजेबल है, रीयूजेबल, ठीक है। तो ये दो एडवांटेजेस है, और बहुत सारे एडवांटेजेस है तुम्हारा कि जो हम लोग का कोड होगा वो रीडेबल होगा। हम लोग जब इस तरह लिखेंगे तो हम लोग का कोड ऑफ कोर्स रीडेबल होगा, जिसको कि कोई भी अगर दूसरा रीड कर रहा है तो वो आराम से इजी हो जाएगा। और फिर हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस इज वेरी इजी, मेंटेनेंस जो होगा प्रोग्राम का वो बहुत ही इजी हो जाएगा। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना क्योंकि स्पेलिंग गलती होते रहती है, मेंटेनेंस इज इजी, तो मेंटेनेंस भी तुम्हारा इजी हो जाएगा। तो क्या होता है फंक्शंस, मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं, एकदम अच्छे से बता दिया कि किसी का नाम हो, अगर उसको हम लोग को वापस से कॉल करना हो तो उसको एक अपना आइडेंटिटी होता है, उस नाम के द्वारा उसको हम लोग कॉल करते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होता है वो भी मैं बता दिया कि क्यों ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, कैसे हम लोग कोड को रीयूज करते हैं, और कोड एकदम साफ सुथरा लगता है, और उसका मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस करना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो होप तुम लोग को फंक्शन समझ में आ गया हो कि फंक्शन होता क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग चलते हैं अब सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस पे।
तो सिंटैक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफाइन कीवर्ड से। जब भी हम लोग को फंक्शन लिखना पड़ता है तो हम लोग यूज करते हैं डेफ कीवर्ड। ओके, सो दैट डेफ कीवर्ड एक्चुअली डिफाइंस दैट यू आर गोइंग टू यूज फंक्शन। अब हम लोग अपने फंक्शन का नाम रख सकते हैं कुछ भी। मान लो हम लोग एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं कि दो नंबर का हम लोग को एड करके रिटर्न करना है, तो हम लोग फंक्शन का नाम रख दिए, यानी कि हम लोग क्या क्या है, हम लोग का डेफ कीवर्ड। इफ आई विल राइट देन डेफ कीवर्ड, ओके, देन आई हैव टू राइट द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम दैट आई हैव रिटन दैट इज हियर एडिशन, एंड देन वी हैव टू पास द पैरामीटर्स। वी हैव टू पास द पैरामीटर्स अंडर द ब्रैकेट पैरामीटर्स। You can pass the parameter or you can also not pass the parameter. It is not necessary that you have to pass the parameter always. We will discuss in detail, but let analyze. You have to pass the parameter in this closing bracket. It is not necessary to pass the parameter. According to your function, according to your code, according to your requirement, you have to pass the parameter or you have to not pass the parameter. So now, here we have to add the parameter. So what I am going to do, we have to pass the parameter. So in this two variable we are going to store our number. So for in A we will store 2, or for in B we will store 3. Okay, so in A we will store 2 and in B we will store 3. Now after doing this, we will take another variable and then we will add those values. Okay, so just analyze the things. After that, we will use the semicolon to just use the scope for the scope thing that I have already told why we will use semicolon, because we have to write these things under this scope. Okay, so just like take these things and you have to write under this scope, then why it is work. After that, this will work, otherwise this will not work. हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग सेमी कॉलर नहीं डालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का वहां पे हो जाएगा इंडेंटेशन एरर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो जैसे ही सेमी कॉलर दाबेंगे हम लोग का यहां पे आ जाएगा टैब, और यहां पे हम लोग को इंडेंटेशन स्पेस मेंटेन करके हम लोग को कोड लिखना पड़ता है। दैट इज दैट यू हैव राइटिंग अंडर दिस स्कोप, यू हैव राइटिंग अंडर दिस स्कोप। तो इससे पाइथन को पता चलता है कि तुम लोग इस स्कोप में काम कर रहे हो, तो इसका ये कोड है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं। तो हम लोग समझ गए, सबसे पहले डिफाइन कीवर्ड, देन वी विल राइट द फंक्शन नेम, एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी विल पास द पैरामीटर्स। सो हियर वी हैव टू पास द टू पैरामीटर्स, और यहाँ पे हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़ता कि इंट है, स्ट्रिंग है, या कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट है, डबल है। क्यों? क्योंकि यह ऑलरेडी समझ जाता है डेट इज डायनेमिक। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन मतलब ए में हम लोग को स्टोर क्या करना है, हम लोग को पता है, ठीक है। अब हम लोग एक यहाँ पे अपना वेरिएबल लेंगे, और इसमें हम लोग जैसे हम लोग करते थे सेम थिंग, यहाँ पे हम लोग स्टोर करा देंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट इज ऑलरेडी ये वाला वैल्यू। ए में मान लो 2 स्टोर है, बी में 3 स्टोर है, तो ये चीज हम लोग सी में स्टोर करा के हम लोग क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट एंड देन आवर सी वेरिएबल, दैट इज अ सिंपल थिंग। आफ्टर दैट वी विल टेक अनदर C variable and here we will store the things. After that we will print the value. So hope you will understand how we will write the syntax. Once we are done with this, हम लोग क्या कर लिए कि C में अपना A plus B का value store करा लिए। अब कैसे हम लोग pass करेंगे वो चीज हम लोग को सीखना है कि कैसे इस A और B में store कराएं। ये चीज तुम लोग already जानते हो कि कैसे हम लोग C में store कराते हैं A plus B का value। और ये simple पहले जैसा program है, अगर इसको मैं हटा दूं तो ये सिंपल पहले ऐसा प्रोग्राम है कि a प्लस बी में जो वेरिएबल है उसको हम लोग स्टोर करा दिए c में, एंड सिंपली प्रिंट करा दिए हम लोग c का वैल्यू, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइवर कोड। ड्राइवर कोड मतलब होता है मेन कोड। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिख लिए, अब हम लोग को कोड में क्या पास करना है, यानी कि इस जो पैरामीटर लिखे हैं उसमें कुछ तो पास करना होगा, तभी तो ये फंक्शन जानेगा कि इस a वेरिएबल में क्या है और इस b वेरिएबल में क्या है। तो वो चीज हम लोग लिखते हैं ड्राइवर कोड में। तो ड्राइवर कोड मतलब देखो फंक्शन का काम खत्म हो गया, अब ठीक फंक्शन के नीचे हम लोग अपना ड्राइवर कोड लिख देते हैं। तो ड्राइवर कोड देखो, ए में इनिशियलाइज करा दिए 2,
बीम इनिशियलाइज करा दी हम लोग थ्री, जैसे हम लोग मेन अपना प्रोग्राम बनाते थे पहले, सिंपली वैसे ही करना है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर कोड। तो यहाँ पे हम लोग ए में लिख दिए टू, बी में रख दिए टू, और हम लोग फंक्शन को कॉल कर दिए। जैसे कि मैं बताया था कि हम लोग कॉल करेंगे किसको, एडिशन फंक्शन को। तो एडिशन फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, उसमें पास करेंगे ए, उसमें पास करेंगे बी। ठीक है, तो देखो ये वर्क कैसे करेगा, अब इसका वर्क कैसे होगा हम लोग ये समझेंगे। एकदम ध्यान से समझना कि सबसे पहले हम लोग ए लिखें, फिर हम लोग लिखें बी। अब हमको कॉल करना है, मान लो तुम उस रूम में हो, तुम्हारा नाम है एडिशन, तो हम लोग बोले भैया एडिशन फंक्शन को कॉल करो। तो सबसे पहले यहां से वर्क करता है कोड मेरा, ड्राइवर कोड से। यहां से आया, ए में स्टोर हो गया टू, बी में स्टोर हो गया थ्री, ठीक है, एडिशन में स्टोर हो गया तुम्हारा ए कॉमा बी। अब जैसे ही हम लोग उसको कॉल किए, यहाँ पे ये फंक्शन इन्वोक हो गया। इन्वोक मतलब कि अब ये अपना काम शुरू करेगा। अब ये देखेगा कि ए में मेरा क्या स्टोर हो चुका है यहाँ पे, तो ए में स्टोर हो चुका है टू। ये बैकएंड पे काम हो रहा है, समझना कि ए में स्टोर हो गया टू और बी में स्टोर हो गया टू, सॉरी थ्री, ये स्टोर हो चुका है हम लोग का। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ स्टोर करके पास कर दिए थे, अब यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, एंड सिंपली प्रिंट कर देगा, तो हम लोग आउटपुट आ जाएगा प्रिंट। तो होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्किंग। अब हम लोग इसको एक बार रन करा के देखते हैं अपने मेन कोड पे। चलो हम लोग रन करा के यहाँ देखते हैं अपने जीडीबीसी पे। यहाँ इसको मैं बंद करता हूँ। हाँ, वो गूगल का डिफिनेशन था आई गेस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, जिसको मैं बंद किया, सॉरी बंद हो गया वो गलती से। अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँ तो क्या वो आता है, नहीं नहीं आ रहा, सॉरी। तो वो गूगल का एक्चुअली क्या गूगल का डिफिनेशन था, ऑलरेडी मैं यहाँ बता चुका हूँ, वही था गूगल का डिफिनेशन कि व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन इज बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गूगल। ओके, तो वो चीज मैं गूगल से लिया था, जो कि मैं तुम लोग को बता दिया हूँ, जो अभी क्लोज किया था। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने इस प्रोग्राम को पेस्ट करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। इसको हम लोग हैशटैग देते हैं, यहाँ पे मैं बार बार जावा वाला यूज करता हूँ कॉमेंट। ओके, सो इफ आई एम जस्ट डूइंग दिस, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखो हम लोग का आउटपुट आ जाएगा क्या, फाइव। तो जैसा कि मैं बताया कि सबसे पहले ए में टू, थ्री में यहाँ पे पास हुआ, यहाँ पे कॉल किया इस फंक्शन को, और सी में मेरा स्टोर हो गया टू प्लस थ्री, एंड देन वी विल कॉल द फंक्शन। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग कैसे प्रिंट करा दिए सी वैल्यू को। अब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और कीवर्ड की बात करेंगे, दैट इज रिटर्न। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अगर यूजर इनपुट प्रिंट कराना चाहें, यानी कि हम लोग खुद से वैल्यू स्टोर कराना चाहें, तो हम लोग कैसे कोड करेंगे। तो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोग यहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू लेना हो तो हम लोग लेंगे इंट इनपुट। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर नहीं जानते हो तो प्लीज तुम लोग जाके देखो। यहाँ पे मैं फिर से वापस से बता देता हूँ कि क्या हो रहा है, कि देखो इनपुट लिए मतलब कि अब तुम कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो जितना वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है, तो इसीलिए हम लोग को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, टाइपकास्ट करना पड़ता है हम लोग को, कि हम लोग भैया स्ट्रिंग है, अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम खुद से लिखोगे जो वैल्यू वहां पे हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स नहीं होगा कि टू और थ्री। तुम मन कर रहा है 1000 लो, 10,000 लो, 1 लाख लो, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे टू आ गया और फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का थ्री, अब हम लोग लेते हैं तो फाइव आ गया। देखो तो तुम लोग यहाँ पे जो मन सो वैल्यू ले सकते हो, अब तुम लोग यहाँ पे ले लो 10 और तुम लोग यहाँ पे ले लो 15। ओके, तो यहाँ पे 15 और 25 आ गया। तो इस तरह हम लोग यूजर इनपुट दे सकते हैं। अब हम लोग यूज करना है यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट रिटर्न कीवर्ड के बारे में। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है रिटर्न कीवर्ड। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट द रिटर्न कीवर्ड, व्हाट इज रिटर्न कीवर्ड। ओके, सो बेसिकली रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, हम लोग यही समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ताकि तुम लोग दिक्कत ना हो, रिटर्न सी, और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हम लोग को फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना होगा। अब तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा अभी क्या है, तो मैं अभी बताता हूँ कि रिटर्न कीवर्ड क्या है। देखो हम लोग का आंसर वही आएगा, एक बार मैं जस्ट रन करा के तुम लोग को दिखा देता हूँ, तुम लोग को ऐसा ना लगे कि गलती हो रहा है। ठीक है, 25 + 10 = 35, तो हम लोग का फंक्शन जो है वर्क कर रहा है। अब हम लोग एक बार फिर से रिकैप करेंगे, उससे पहले हम लोग रिटर्न एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ए इनपुट लिए, ठीक है, बी इनपुट लिए, ठीक है, अब इस प्रिंट को भूल जाओ, अभी हम लोग कॉल किए यहाँ पे, ठीक है,
कॉल करने के बाद ये फंक्शन इन्वोक हुआ, अब इसमें मेरा वैल्यू स्टोर हो गया, हम लोग जो स्टोर कर रहे हैं 10 + 25, अब ये रिटर्न कर दिया, यानी कि जो भी इस वैल्यू में हम लोग रखे ना, जो भी इस फंक्शन का वैल्यू है, जो भी इस फंक्शन का लास्ट वैल्यू है, सी में स्टोर हुआ, सी में क्या स्टोर हो रहा है 10 + 25, तो सी में स्टोर हो रहा है 25, तो हम लोग इस वैल्यू का रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न मतलब कि ये जो फंक्शन मांग रहा है, ये जो फंक्शन का काम है, ये फंक्शन बोल रहा है कि हमको जो इनपुट चाहिए, हम लोग को चाहिए कि कुछ वैल्यू हम लोग को ला के दो, जैसे कि मैं तुमको दिया 10 रुपया और 20 रुपया, ठीक है, तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में 10 रुपया और एक हाथ में 20 रुपया, अब मैं बोला कि मुझे कुछ दुकान से सामान ला के रिटर्न में दो, तो तुम क्या किए कि जाके तुम कुछ खरीद लाया 35 रुपीज का और मुझे जाके हिसाब दे दिए, या फिर तुम बोल दिए, कैलकुलेशन दिए कि 35 रुपये का ये सामान है, तो मैं मुझे रिटर्न में जो तुम दिए, दैट इज द सेम थिंग हियर वी आर यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, वही रिटर्न क्या कर रहा है, इस फंक्शन को लाके दे रहा है मेरा आउटपुट, कि यहाँ पे हम लोग जो स्टोर कराए थे वो हम लोग को इसमें दे रहा है। अब यही चीज हम लोग को प्रिंट भी तो कराना होगा, सिर्फ ला के देने से नहीं होता है ना। मान लो हम लोग को मम्मी को ला के सामान दे दिए, और जब तक सामान दे दिए और वो खाना नहीं बनाएगी तो खाना बन के खाएंगे कैसे हम लोग, तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि हम लोग को सामान ला के मिल गया है, लेकिन वही सामान हम लोग देखना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले से ही प्रिंट यूज कर रहे थे, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग रिटर्न दैट टाइम। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट रिटर्न यूज करेंगे तो हम लोग यहीं पे बोल दिए भैया कि तुम हमको सामान लाके मत दो, तुम डायरेक्ट हमको पका के दिखा दो कि क्या मेरा सामान है, तुम वहां पे वहीं पे कर दिए कि सी में स्टोर हुआ 35, तुम हमको वहीं बता दिए कि ये जो फंक्शन है वहीं पे मेरा क्या कर रहा है, सामान हम लोग को दिखा दिया कि लो भैया 35 का ये सामान है और इसका ये खाना बन रहा है। लेकिन जब ऐसा नहीं है तब हम लोग बोल रहे हैं कि सामान ला के दो, सामान लाने के देने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि वो सामान हम लोग को ला के दिखाओ, तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो होप तुम लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या हम लोग पढ़े हैं, रिटर्न कीवर्ड अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि क्या होगा, होप कि ये छोटा वीडियो बन रहा हो, देखते हैं कितना देर का, आप 2 मिनट में मैं रिकैप करा दूंगा, ये 17 मिनट का हो गया है। सो क्या करूं मैं, अच्छा से समझाना पड़ता है, तो 17 से 20 मिनट यू कैन ऑब्जर्व, पिछले बार 44 मिनट का बन गया था तो ज्यादा फिर हो गया था। तो देख लिए हम लोग फंक्शन क्या होता है, हम लोग देखे कि एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन क्या होता है, हम लोग डिटेल में जाने कि कैसे हम लोग सिंटेक्स यूज कर सकते हैं फंक्शन का, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे हम लोग, फिर हम लोग देखे कि रिटर्न कीवर्ड कैसे होता है, फिर हम लोग देखे कि यूजर इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं, यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, यूजर इनपुट भी हम लोग डिटेल में देख लिए। ओके, तो अच्छे से समझ में तुम लोग को इतना चीज आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और प्रोग्राम करेंगे और फिर कुछ और कीवर्ड्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।